कम बैक टू माई चैनल यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे अम्मी कुकिंग होम में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा टिक्की मसाला। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो मैंने आधी लहसुन और थोड़ा सा धनिया पत्ता उसे मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया है। मैंने चॉप करके प्याज कट किया है, चॉप करके मैंने टमाटर कट किया है और आग को मैंने जला लिया था। पानी मेरा गर्म हो चुका है तो उसमें हम अंडा उबलने के लिए डाल देंगे, क्योंकि हम अंडा टिक्की मसाला बना रहे हैं तो अंडा तो देना ही देना है। थोड़ा सा हम उसमें नमक डाल देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा अंडा जो है उबल सके। तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। अंडा उबल चुका है तो हमने उसे अच्छी तरीके से छील लिया है। कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने फिर से दे दिया है। उसमें मैंने सरसों तेल 4 चम्मच ऐड किया है। आप लोग जो यूज करते हैं कुकिंग ऑयल में आप वो डाल सकते हैं। क्रश करके मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। तो जीरा हमारा जो है ब्राउन हो चुका है तो इसमें मैंने 3-4 कलियां लाल मिर्च ऐड किया है और तेज पत्ता मैंने ऐड किया है। अब हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे और चला लेंगे। हमें ब्राउन होने तक प्याज को अच्छी तरीके से भून लेना है। तो ये देखिए प्याज जो है हमारा अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर को ऐड कर देते हैं। तो टमाटर हम ऐड करके और जो हमने मसाले पेस्ट बनाए थे धनिया पत्ता और मिर्च का और आदि का वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से फिर से चला लेंगे। अब हम चलते हैं जो हम मसाले इसमें ऐड करेंगे उसको उसका घोल हम तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ मिर्च पाउडर ऐड किया है, क्योंकि हम मिर्च पाउडर थोड़ा कम डाल रहे हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी उसमें पेस्ट बनाने में ऐड किया था। और थोड़ा सा जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर मैंने ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे और जिस ग्राइंडर में मैंने पेस्ट तैयार किया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी करके इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करके और पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मसाले को आप पेस्ट बनाकर डालोगे तो बहुत ही बढ़िया आता है। पाउडर हम डाल देते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन हमें पेस्ट बनाकर ही डालना चाहिए। तो ये देखिए अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मसाले को 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा भून चुका है मसाला। तब तक हम मसाले को भूनते हैं तब तक प्लीज आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी। तो ये देखिए हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि मसाले हमारे जो है भून चुके हैं। हमें पानी थोड़ा ही डालना है। हम पानी को अच्छी तरीके से सुखा देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड किया है। अब हम चलते हैं अंडे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको अंडा को 2 भागों में कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरीके से आप अच्छी तरीके से कट कीजिएगा, फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे को कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम अंडे को डाल देंगे। तो हमारा अंडा टिक्की मसाला बनके तैयार है। आप लोग भी जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।